अगर बिना घूस दिए हुए कोई भी सरकारी काम होता है तो होता है क्या? बिना घूस दिए हुए किसी का काम होता है? ये सच्चाई है बिहार की, ये सच्चाई है बिहार की। और जब हम लोग बिहार की सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं तो हम लोगों को बांटा जाता है, जैसे अंग्रेज हम लोग को बांट रहे थे। डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो की रणनीति अंग्रेजों ने बनाई, क्यों? ताकि वो हम पर शासन कर सके। और उसी नीति को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं महामहिम से क्षमा चाहूंगा, मैं जानता हूं कि वो एक संवैधानिक पद पर है और ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक बातें महामहिम की मौजूदगी में होनी नहीं चाहिए, पर बिहारी हूं, बिहारी खून उबाल मारता है। और जब मैं अपने देश में ऐसी परिस्थितियों में देखता हूं, और जब हमारे नेता संचार मंत्री बने थे, किस तरीके से उन्होंने जगह जगह उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का काम किया, यहां पर भी उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का काम किया। WLL वायरलेस लूप लाइन के नाम से उसका आता था, पिताजी सबको बताते थे कि देखो ये बिना। दुख इस बात का होता है कि जब मेरे मुख्यमंत्री विकास की गाथाओं का जिक्र करते हैं तो उस वक्त बिहार का एक ऐसा क्षेत्र जो बरसात के बाद पूरी तरीके से, जिस तरीके से मुख्य मार्ग के साथ वो कट जाता है, जरूरत है अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बिहार। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पुल हवा में उड़ जाता है, जहाँ पे बांध चूहे कुदर जाते हैं। तो यहाँ पर जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ऐसे में नाव की सवारी यहाँ पे करना एक सुखद आनंद नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात की ग्लानी होती है, दुख होता है एक बिहारी होने के नाते कि क्यों हमारा प्रदेश अभी भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी इतना पिछड़ा है कि आज भी कनेक्टिविटी के लिए हम लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री जो जातियों में बिहार को बांटने का काम करते हैं, दलित महादलित अति पिछड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा, महिला पुरुष लव कुश कोरी कुर्मी, कम से कम वो मुख्यमंत्री जातियों से उठकर विकास के सही मापदंडों की भी चर्चा करें और बिहार के और बिहारियों के हालात को बेहतर बनाने का प्रयास करें। कुछ तस्वीर देखी थी नदी किनारे शराब बनते हुए, ऐसा कुछ? भाई आप, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने भी उस तस्वीर को देखा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने कैमरे में उस तस्वीरों को कैद करके पूरे देश की जनता को दिखाएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिखाएं, इनके प्रशासन को दिखाएं। भाई संभव है, आज हम लोग जहां से चल कर आए, क्या संभव है प्रशासन के संरक्षण के बिना ऐसी जगह पे इस तरीके से जहरीली शराब का निर्माण होना? मेरे हिसाब से आप उन्हीं तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं जहां पे हम लोगों ने जहरीली शराब के निर्माण होते हुए देखा। बिहार जहां पे शराबबंदी और पूर्ण शराबबंदी लागू है, यहां पर ना सिर्फ तस्कर पैदा हो गए हैं जो दूसरे प्रदेशों से शराब का आयात करते हैं, बल्कि निर्माण होने लगा जहरीली शराब का। और यही कारण है आए दिन जो हत्याएं होती है, मैं उनको मौत नहीं मानूंगा भैया, किसी को अगर जहर खिलाकर मारा जाता है तो वो हत्या होती है। तो आए दिन जो बिहार के अलग अलग जिलों में हत्या हो रही है, ये उसका जीता जागता सबूत है, प्रमाण है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मानने को कभी तैयार नहीं होते कि बिहार में जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री जी संभवतः आज जब आपके कैमरों के माध्यम से आपके चैनल पर देखेंगे तो शायद वो इस पे कोई कार्रवाई करें। जिस तरीके सीमांचल के दौरे पर अमित शाह थे तो आप लगातार लालू यादव जी का बयान है कि उन्होंने जिक्र किया, भाई बिहार में आज की तारीख अपराध का जो एक तांडव देखने को मिला, मौत का नंगा नाच जिस तरीके से बिहार में अपराधियों के द्वारा किया जा रहा और प्रशासन खामोश, अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, ये तमाम बातें जो उन्होंने अपने मंच के संबोधन से कही, कहीं ना कहीं वो तमाम बातें सही है। मुख्यमंत्री जी को समझने की जरूरत है, और अगर वो सुधार नहीं कर सकते, आप भी ये चीज, नीतीश कुमार जी को केंद्र की राजनीति और प्रधानमंत्री बनने का इतना शौक है तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, या आग्रह जरूर करूँ। आप ये मान रहे हैं कि सीमावर्ती इलाके में देश विरोधी गठबंधन जो संगठन चलाई जा रही है? देखिए कहीं ना कहीं घुसपैठ तो होती है भैया, उससे तो कोई मना नहीं कर सकते। सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ के प्रयास
निरंतरता में किए जाते हैं, ये कोई आज की बात नहीं, लंबे समय की बात है। जहाँ एक तरफ हमारी सरहद के जवानों को ये श्रेय जाता है कि मुस्तैदी से वो दिन रात इसके खिलाफ लड़ते हैं, वहीं जब जब केंद्र में मजबूत सरकारें आई हैं, हम लोगों ने मुंह तोड़ उसका जवाब देने का अधिकार। चिराग पासवान एक जी क्लियर कर दीजिए, आप प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किया है, क्या बिहार में विपक्ष का चेहरा होने जा रहे हैं आप? भाई मैं बिहारियों की आवाज को उठाता रहा हूँ, उठाता हूँ, और जब तक जीवित हूँ तब तक बिहार और बिहारियों की भाजपा आपके चेहरे।